नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। ईटा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ियोली नेतृत्व में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा ईटा डैम रद्द नहीं होगा के बयान का जताया विरोध। अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ियोली ने कहा, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की आदिवासियों पर तानाशाही नहीं चलेगी, कोल्हान के 87 गाँव में झामुमो को घुसने नहीं दिया जाएगा। ईटा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान द्वारा कहा गया है कि झामुमो को 87 गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब खबर विस्तार से। ईटा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ियोली के नेतृत्व में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा ईटा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान के अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ियोली के नेतृत्व में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा ईटा डैम रद्द नहीं होगा के बयान का विरोध जताया है। तांतनगर प्रखंड के कुलाबुरु, गैरासई और सिंडी गांव के मुंडा और ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। विस्थापितों ने एक स्वर में कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की आदिवासियों पर तानाशाही नहीं चलेगी। आदिवासी मूलवासियों द्वारा चुनी हुई झामुमो की सरकार से उम्मीद के विपरीत कार्यशैली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री, मंत्री और उनके विधायकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोल्हान के 87 गाँव में झामुमो को घुसने नहीं दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत कुलाबुरु, गैरासई और सिंडी से संघ द्वारा की गई। ग्रामीणों ने धोखा का जवाब वोट से झामुमो को देने का संकल्प लिया। संघ के अध्यक्ष बीर सिंह बुड़ियोली ने कहा, मुख्यमंत्री से संघ के प्रतिनिधि मंडल हाथ जोड़कर विनती किया था कि जल्द ईटा डैम को रद्द करवाकर आदिवासी और मूलवासियों को विस्थापित होने से बचा लीजिए, किंतु मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रवैये और कार्यप्रणाली से नाराज होकर संघ के प्रतिनिधि एवं आंदोलनकारी उनके मंतव्य से दुखी और नाराज होकर मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले थे। अब लोकसभा में झामुमो और प्रतिनिधियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाकर वादा खिलाफी का बदला लेगी। मुख्य रूप से योगेश कालुंडिया, गुलिया कालुंडिया, मार्कंडे बांड्रा, बल्लू बाजो, सुनील बांडा, प्रदीप जोको, बिरसा गुड़सोरा, राजेश सोए, मोनसा बोदरा, सालुका बारी, मोटा गोप, साधु चरण गोप, आंदोलनकारी और ग्रामीण शामिल थे। अब आइए देखते हैं ईटा खरकई बांध विरोधी संघ कोल्हान का प्रदर्शन का नजारा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपई सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बिरवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पुर्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पुर्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चरखल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चरखल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चरखल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुजू डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कुजू डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज हम लोग जितने भी विस्थापित ग्रामीण हैं, कुलेबुरु, गैरासई, सिणी, सारे लोग हम लोग एकजुट हुए हैं। कल जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात के बाद उनका मंतव्य जानने की कोशिश किए, उनके विचारों को जानने का कोशिश किए, सरकार की जो कार्यप्रणाली है विस्थापित क्षेत्र के लोगों के लिए, उनका नज़रिया या उनका प्लानिंग कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि झारखंड सरकार जिस मुद्दे को लेके सरकार में आई, 126 गांव के लोगों को विस्थापन से बचाने और उनको फिर से जो है झारखंड सरकार में एक भरोसा दिया कि हम आपको डुबाएंगे नहीं, आपके सुरक्षा करेंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद एक विस्थापित क्षेत्र से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करके आज राज्य के मुखिया बने हैं, लेकिन आज उनसे भी जो है ना हमारे विस्थापन को धोखा मिला है कि उन्होंने साफ कह दिया कि डैम जो रद्द नहीं होगा और आने वाले दिनों में इसका स्वरूप बदल के डैम बनाया जाएगा और विस्थापितों को जो डबल मुआवजा दे के उन्होंने विस्थापितों को गाली देने का काम किया है और हमारे पूर्वजों को, हमारे शहीदों को जो है अपमान किया, इसका हम घोर विरोध करते हैं और इसका आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग धोखा का जवाब जो है ना वोट से देंगे और जेएमएम को जो है पूरे क्षेत्र से भगाने का काम करेंगे और उनके प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।